ये कहाँ बिजी था तुम्हारा नंबर, इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ मैं। कुछ नहीं, इमरान से बात कर रही थी। इमरान का क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं, इमरान का फोन था भाई, अपनी किसी पिटी फजूल बातें कर रहा था। आप बताइए आपकी मीटिंग कैसी रही और आप वापस कब आ रहे हैं? मीटिंग तो बिल्कुल ठीक जा रही है, बस होपफुली परसों तक वापस आ जाऊंगा मैं। ठीक है, आप आइए क्योंकि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। और मुझे फोर्स मत करिएगा कि मैं आपको फोन पे बताऊं, क्योंकि वो बात फोन पे नहीं हो सकती है। जब आप आएंगे तो फिर आराम से बात करेंगे, ठीक है? कॉफी इज रेडी। ये कौन था? अरे कौन होगा मेरे साथ, कॉन्फ्रेंस पे आया हूँ, बहुत सारे लोग हैं और इस होटल में अकेला नहीं ठहरा हुआ। तो क्या आपको किसी लड़की के साथ रूम दिया गया? अरे ये तुम्हारा शक करना खत्म नहीं हो सकता। अरे भाई कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हूँ, कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, लोग आ जा रहे हैं। खैर अच्छा सुनो, मैं परसों तक वापस आ रहा हूँ। फरुख आप सच कह रहे हैं ना मुझसे? अरे काफिया प्लीज ग्रो अप। अच्छा सुनो बाद में बात करता हूँ, सब लोग आ रहे हैं। ओके अल्लाह हाफिज़। सब ठीक है ना? अरे हाँ यार सब ठीक है। कॉफी लाएंगे? Yes, of course. खास कॉफी लाएंगे। I know. Whatever you make is always special. Only for you. I know. हाँ बेटी याद आया, तुमने इमरान से बात की थी, क्या कहा उसने? नहीं अभी तक तो नहीं की, लेकिन मैं कर लूंगी ना बात, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? अभी मुझे जाना है, मुझे डॉक्टर अनिला से मिलना है प्लीज, फिर वापसी में मौका ढूंढकर बात करके आपको बता दूंगी। डॉक्टर अनिला ने क्यों बुलाया है, खैरियत तो है? हाँ माँ सब खैरियत है, फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है। वो कह रही थी कि बहुत दिन हो गए थे तुम्हें देखा नहीं है, तो आ जाओ साथ में बैठ के चाय पी लेंगे बस। और फिर हो सकता है कि उन्हें कोई और भी बात करनी हो। अच्छा अच्छा मैं चलती हूँ, फ्री होकर बताना कि डॉक्टर अनिला ने क्या कहा। अम्मा आप फिक्र क्यों कर रही हैं? आपको बता दूंगी, ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। हम तो दो दिन के लिए आए थे और तुम एक दिन के बाद कह रहे हो कि हमें वापस जाना है। तुमने आज मेरे साथ डे स्पेंड करना था, हमें घूमना था, फिरना था, मेरे दोस्तों से मिलना था, मैंने सबको कॉल की भी है। तुमने आने में भी जल्दी की, तुम जाने में भी जल्दी कर रहे हो। बंदा घूमता है फिरता है, पता नहीं तुम्हें मुझे फिर ये मौका मिले या ना मिले। अरे यार एक जरूरी काम आन पड़ा है, उसके लिए मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं और तुम दोबारा आ जाएंगे यहाँ पे, क्यों फिक्र करती, बस जल्दी से पैकिंग कर लो, निकलते हैं, फ्लाइट का वक्त हो रहा है। तुम कभी ये फ्लाइट मिस नहीं करोगे, मैं जानती हूँ, तुम मुझे छोड़ के भी चले जाओगे। यार ये तुम हमेशा मुझसे इतनी बदगुमान क्यों रहती हो? मैं जब भी तुमसे इतने प्यार से बात करता हूँ तुम हमेशा उखड़ा हुआ जवाब देती हो। कम ऑन यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस जल्दी से पैकिंग कर लो, आई एम वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। Really? तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? नहीं हैरान मैं इसलिए हो रही हूँ, मैं सोचूं बेचारी कौन होगी जिसकी शादी तुम जैसे कार्टून के साथ होगी। तुम तो सब जानती हो, तुमने देखा है मेरा वो दौर जब लड़कियां मेरे इंतजार में खाना नहीं खाया करती थी। हाँ क्या है ना, बेवकूफों का दौर हमेशा से था, हमेशा रहेगा। ऑफ कोर्स। यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम मेरी पर्सनैलिटी से जेलस हो रही हो? खुदा का खौफ करो इमरान, मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी से जेलस होंगी? Get a life. वैसे एक बात है कि खुशफहमी में इंसान को रहना चाहिए, एटलीस्ट इंसान खुश तो रहता है। 12:30 बज चुके हैं, चलें, चलो देर हो जाएगी। अच्छा ये तो बता दो कि हम वहाँ जा क्यों रहे हैं, खैरियत तो है ना?
यार डॉक्टर अनिला ने बुलाया, कह रही थी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, साथ में बैठ के चाय पी ली, सारी बातें रास्ते में करेंगे, उठो देर हो जाती है, तुम बातें बहुत करते हो। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो? बिल्कुल अल्लाह शुक्रिया। लाला ये बाजी कहाँ? मीरान साहब के साथ अभी थोड़ी देर पहले बाहर गई है। अच्छा ठीक, ये रखो अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम, स्टार ट्रैकर से बोल रहे हैं आप? जी मुझे अपनी गाड़ी की लोकेशन मालूम करनी थी कि इस वक्त वो कहाँ है। जी AVX 789। जी हाँ, पासवर्ड है जी उसका 9911199। जी कहाँ है, एड्रेस बताएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, ये अभी अभी एक साहब और एक खातून बाहर गए, ये किस सिलसिले में आए? तौबा तौबा, सीधा सीधा कयामत की निशानी है। इन लोगों को तो शर्म ही नहीं आती, खुदा का खौफ ही मिट गया है दुनिया में। इतना अच्छा खासा जोड़ा और हरकतें बच्चों जैसी, उस नन्ही जान का क्या कसूर जो दुनिया में आने से पहले उसे कत्ल कर देना चाहते हैं। आप कब आए? We weren't expecting you today. आपको तो कल आना था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हैरत हो रही है ना मुझे देख के, अचानक क्यों? You were not expecting me, है ना? नहीं, but you were supposed to come yesterday, इसलिए गलती की है शायद मैंने अचानक आकर। तुम दोनों का कोई प्लान था जो मैंने एकदम आकर खराब कर दिया? प्लान? कैसा प्लान? Excuse me, क्या कह रहे हो तुम? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ। इस तरह की बातें करके क्या साबित? क्या साबित करना चाहता हूँ? मैं जो साबित करना चाहता हूँ वो साबित हो चुका है। नहीं एक मिनट, क्या साबित हो चुका है जरा हमें भी? कहाँ गई थी तुम इसके साथ? कहाँ गई थी? तुम झूठ मत बोलना मेरे साथ। झूठ मत बोलना मेरे साथ।
क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम कहां गई थी इसके साथ, कहां लेकर गए थे तुम इसको। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खान को गलतफहमी का शिकार हो रहे हो, फॉर गॉड सेक। बिल्कुल कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। तुम दोनों क्या समझते हो, तुम दोनों इस तरह हदें पार करते रहोगे और मैं बाहर तमाशाइयों की तरह बैठकर तमाशा देखता रहूंगा। की सोच इतनी गिर सकती है, इसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं भी नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी गिर जाओगी कि मेरे होते हुए तुम। जस्ट स्टॉप। आपने सब कुछ आज कह दिया ना, इसके बाद अगर मैं चाहूं भी तो आपके साथ नहीं रह सकती। कौन चाहता है कि तुम यहां पे रहो, और स्पेशली इस हरकत के बाद तो मैं चाहता ही नहीं हूं कि तुम यहां रहो। क्या चाहते हैं आप? मुनासिब यही है कि हम दोनों महज़ब लोगों की तरह एक दूसरे को छोड़ दें। इतनी सी बात पे? इतनी सी बात पर मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मेरे ख्याल में अब मुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये यहीं पे है, इसके साथ ही चली जाओ तो तुम्हारे लिए मुनासिब है। फर्रुख तुम बस, ये हम दोनों मियां बीवी का पर्सनल मामला है, तुम्हें दरमियान में छलांगे मारने की जरूरत नहीं है। जो लोग खुद चोर होते हैं ना, जिनके दिल में चोर होता है, पूरी दुनिया चोरी दिखाई देती है। चलो इमरान, इससे पहले कि मेरा दम घुट जाए इसका। बहुत दुख हुआ तुम्हारी सोच जानकर कि काफिया जैसी लड़की पे तुम शक कर रहे हो। पछताओगे एक दिन। शक कर रहा हूं इडियट। ये शख्स इतना घटिया हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। आखिर इसके ज़हन में आया भी कैसे कि मैं और तुम। पानी पियो। काफिया, काफिया, पानी। मेरी मोहब्बत को टीशर्ट की भेंट चढ़ा दी, मुझे अपने वजूद से घिनाने लगी है। जस्ट हेट है, हेट।
यू नो आज गाड़ी में बैठकर मैंने गुज़िश्ता 6 महीने के फोन बिल्स पर नजर दौड़ाई। जब मैंने पूरी कॉल हिस्ट्री चेक की तो जानती हो सबसे ज्यादा नंबर तुमने किसका डायल किया हुआ है? मेरा नहीं, इमरान का। जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझ पर नए नए इंकशाफात होने लगे। कहानी की सब कड़ियां एक दूसरे से मिलने लगी, एक का प्रेम कहानी सामने आई। काफिया, फरुख शहर और इमरान की प्रेम कहानी। आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उसके जहन में कोई बात बैठ गई है। वो क्या है आई डोंट नो, और जहां तक मुझे पता है वो उसका इजहार नहीं करना चाहता। कि सोच इतनी गिर सकती है इसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं भी नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी गिर जाओगी कि मेरे होते हुए तुम। जस्ट स्टॉप। कौन चाहता है कि तुम यहां पे रहो, और स्पेशली इस हरकत के बाद तो मैं चाहता ही नहीं हूं कि तुम यहां रहो। क्या चाहते हैं आप? मुनासिब यही है कि हम दोनों महज़ब लोगों की तरह एक दूसरे को छोड़ दें। इतनी सी बात पे? इतनी सी बात पर मैं तुम्हें तलाक देता हूं। हेलो। हाँ हाँ याद है मुझे, आता हूँ मैं ऑफिस। हाँ एक काम करो, उन्हें बैठाओ, चाय शाय पूछो, मैं आता हूँ। आ रहा हूँ मैं। खैर काफिया, नाश्ता तो कर लो। अभी हम तुम्हारे घर जाएंगे। मुनासिब तो यही है कि अंकल आंटी को कुछ ना बताया जाए। फौरन बताना ठीक नहीं है। तुम नाश्ता कर लो, फिर चलते हैं। फरुख के घर से होते हुए चलना। काफिया, मुझसे कोई सवाल मत करो इमरान। मुझे सच से फरुख को एक जवाब देना है। चलो।
बाबा साहब किधर है? साहब अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस गया। बहुत अच्छी लग रही हो। आओ उधर। लफ्जों से मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है, वास्ता है, ताल्लुक है, नाता है, और लफ्जों ने जिंदगी के किसी मोड़ पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन पता नहीं क्यों आज तुम्हारे सामने मेरे लफ्ज बिल्कुल बेमानी से हो गए। काफी अब मैं चाहता हूं कि आने वाले हर दिन तुम इसी तरह मुस्कुराती रहो, और मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारी इस मुस्कुराहट के नाम करता रहूं। काफी अब मुझे अपने रिश्तों को किसी के साथ शेयर करना या बांटना नहीं आता। मैं चाहता हूं कि जो मेरा हो वो सिर्फ मेरा हो, और मैं तुमसे भी यही चाहता हूं। मेरी जिंदगी अगर तुम्हारे से शुरू हो रही है तो मैं चाहूंगा कि वो तुम ही पे खत्म हो, और मैं तुमसे भी यही चाहता हूं। जी वकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये आपने डिवोर्स के पेपर्स काफिया को पहुंचा दिए? अच्छा, बस ठीक, थैंक यू। जी सर। हाँ असलम, आज मेरी कोई मीटिंग तो नहीं है? जी सर, आज आपकी मीटिंग है। अगर है तो कैंसिल कर दो। लेकिन सर वो जो कह दिया वो सुन लिया है ना, तो बात खत्म हो गई। बहस किस बात की? दूध पियो, पढ़ पढ़कर दिमाग खुश्क हो गया होगा। और हाँ, आज सर में मुझसे तेल लगवा लेना, बाल देखो कैसे झाड़ से। अरे काफिया, मेरी बच्ची अचानक कैसी हो मेरी यार? कैसी हो?
इमरान कैसे हो तुम? अरे इतना सारा सामान, लगता है फिर कहीं फरुख शूटिंग पर जा रहा है। चलो अच्छा है, कुछ दिन हमारे साथ गुजार लोगी। किसी वापी। अरे काफी हो बेटा, तुम कब आई? अभी मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। काफिया मेरी बच्ची, सब खैरियत तो है? काफिया बोलो मेरी बच्ची, क्या हुआ है? खैरियत तो है, बताओ। फरुख ने मुझे तलाक दे दी। क्या क्या कह रही हो तुम, पागल तुम्हें हो गई? मैं कह रही हूँ जो आप सुन रही हैं। ये नहीं हो सकता, ये तुम क्या कह रही? इतनी सी बात पर मैं तुम्हें तलाक देता हूं।